Bálica. Y ellos compadre, ellos se traen, ellos cortan, ellos conduríen. Esa sería la onda. लाहौर में एक आयरन बहुत
बहुत बड़ी पार्टी है, अरबपति लोहे का काम करते हैं, इनका ताल्लुक है, उनके साथ लेते हैं। तो वो कहते हैं, हम उनके दफ्तर में बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं हमें जो कुछ दे रखा है दाता साहब, अल्लाह ये सुन के कहता है और लाओ, और लाओ उसी इस्लाम, ये सुन के अल्लाह कहता है और ले, मैं तेरी एफआईआर जरा दफे चंगे जाए लाना चाहता हूं ताकि तेरी जमानत भी ना हो, और मैं और हौसले वाले, हमें जो कोई दे रखा है हमारे हजरत से यहां से रिस्क मंजूर हुई, खुदा तकसीम करता है, वहां मुझको नजर आई कलाई अपने ख्वाजा की, अस्तगफिरुल्लाह। अबू जाल क्या कहता था, मुझे रोजी कौन देता है, कुल मेरे पैगंबर इनसे पूछ, मन कौन है बेयदि ही जिसके इख्तियार में हो मलकूत समावात वलार्ज, जमीन और आसमान की बादशाही किसके हाथ में है, पूछ इनसे, ये कहेंगे अल्लाह के हाथ में। ये मुशरिकीन मक्का के अकीदे बयान है, और सूरत अनकबूत पढ़ो, सूरत अनकबूत आयत नंबर 65, खुदा के लिए ये जरूर पढ़ो, तर्जमा मैं भी करता हूं लेकिन आप एक दफा पढ़े फिर उस पर गौर करें फिर तदब्बुर करें कि हाँ ये मुशरिकीन मक्का है। सूरत अनकबूत आयत नंबर 65, कुरान कहता है वैदा राकी मुंह फिर खुल के, जब वो सवार होते हैं कश्तियों में और कश्ती आती है भवन में किरदार में, ना मुआफिक हवाएं चली समंदर की लहरें उठी मुखालिफ सिमत की हवाएं चली, कुरान मुशरिकीन मक्का का नजरिया बयान करता है, ताबुल्लाह बहावुल हक ते बेड़ा थक। और अबू जाल क्या कहता था कि बेड़ा थकने वाला कौन है, अबू जाल का अकीदा कुरान ने बयान, कोई नुदीन किश्ती लगा दे पार किश्ती, अगर कोई बाजौक लोग यहां मौजूद हैं मेरे जुमले से पता चलेगा कि उनके जौक के मुताबिक है जुमला कि नहीं, बड़ा मैं तंजिया से जुमला कह रहा हूं, तंजिया से लेकिन बड़ी खूबसूरत तंज कर रहा हूं, खूबसूरत बड़े अदब से एहतराम से, अल्लाह करे आप समझ जाए। ये अबू जाल का अकीदा बयान हुआ, खालिक अल्लाह रालिक अल्लाह मालिक अल्लाह, कश्तियों में पुकारता है किसको, अल्लाह को, बंदे आलमी कहता है कम अज कम अबू जहल कितने मुवाहिद का पढ़ो, और जितना मुवाहिद अबू जहल था उतने से बनो, वो कहता था मेरा राज़िक कौन, मेरा मालिक कौन, जमीन और आसमान का मालिक कौन, सारे इख्तियार किसके पास, फायदा राके मुंह फिर खुल के, सूरत अलकबूत 25वीं आयत 65 आयत नंबर 65, फिर सिफारिश करता हूं, फिर सिफारिश करता हूं, खुदा के लिए घरों में डालिए और तर्जमा पढ़िए, आपको पता चले कि मुशरिकीन मक्का का नजरिया क्या था, फायदा राके मुंह फिर खुल के, जब सवार होते हैं कश्तियों में भूल गए हजरत इब्राहिम, भूल गए हजरत इस्माइल, भूल गए लात मना उज्जा मना खुदल, सब भूल गए, अल्लाह 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 अल्लाह। आगे भी सुनो, इज़ा नज़्जाहुम इलल बर्रे, बर्रे बर्रे को मैं ना
बारात जा रही थी और पूरी औरत ने पीराने पीर की नियाज नहीं दी और उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरी बारात का बेड़ा کہنے لگے ایک بندے کو نکالنا ہے تب کشتی بچے گی
किसको निकाली? कुरान बाजी करो, कुरान है कुरान, उन्होंने कुरान बाजी की, नाम किसका निकला? लोग अच्छे थे, कह लगे नहीं दोबारा कुरान बाजी करो, दोबारा कुरान बाजी की गई, फिर नाम किसका निकला? तीसरी बार कुरान बाजी की गई, तीसरी बार भी नाम किसका निकला? अगर आप सुभान अल्लाह कह के मेरे सीने में ठान डाल दें तो एक जुमला कहना चाहता हूं, तौहीद पर मबनी एक जुमला कहना चाहता हूं और डूब के कहना चाहता हूं, मामला ईद बन गया। अल्लाह का पैगंबर कश्ती ने बिच पावे तो कश्ती डूब दी है और पैगंबर को निकालो तो कश्ती बचती है। रब ने मसला समझाया और कश्तियों का दबाना और किनारे लगाना ये नदियों बदलों के नहीं मेरे इख्तियार में। जिंदा पैगंबर अंदर मौजूद है। ये उलमा इसलिए कहते हैं वे कुरान ना पढ़ो, असा इन्होंने पट्टियां बनाईया बुजुर्ग किनारे लगाते हैं, इन्ना कुरान पढ़ लिया उस दे विच पढ़ लिया वे हजरत यूनुस है कश्ती के अंदर है कश्ती के दाम में है ये तो साडे गाते लग जाएंगे। वे मौलवी साहब तुम की पढ़ाया सी कुरान क्या कह? इन्होंने कहा कुरान के करीब न जाओ, कुरान तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने की किताब नहीं है, इसके लिए बड़े इल्म पढ़ने पड़ते हैं, ये सबसे ज्यादा आसान किताब है। वला कद यस्सरना कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, यस्सरना इस बाब का ये सीगा है, उसका मादा तकल्लुफ है, मादा तकल्लुफ है, माना करो उस मादे के तहत अल्लाह कहती है मुझे अपनी जात की कसम है, मुझे अपनी सिफात की कसम है, मुझसे इतना जोर लग सकता था मैंने सारा जोर लगा के कुरान को आसान किया है। कुरान जिक्र नसीहत के लिए, किसके लिए? जान वास्ते नहीं, खत्मा पढ़ वास्ते नहीं, जिक्र नसीहत के लिए। फहल में मुद्दकिर, फहल में मुद्दकिर है कोई आदमी जो थोड़ी सी तवज्जो करे और मैं उसका सीना कुरान के लिए खोलूं? है कोई आदमी, है कोई आदमी ऐसा पूछते हैं, है कोई आदमी जो थोड़ी सी तवज्जो करे और उसका सीना मैं कुरान के लिए खोल दूं? कुरान किताब हिदायत है, किताब अंजल ना हो इलैका, ये किताब हमने आपकी तरफ उतारी है, ये अजीम शान किताब हमने आपकी तरफ उतारी है। मौला किस वास्ते? नवा मकान बनाइए ते खत्म बनाइए, नई दुकान बनाए और खत्म बनाए, गले में लटकाने के लिए या प्लेटों में लिख के खोल खोल के पिलाने के लिए इसके उतरने का ये मकसद है? फरमाया ना, ले तुखरिज الناس, खुदा के लिए थोड़ा सा मैंने करो इखराज ताकि तू निकाले लोगों को मिन ज़ुलुमात शिर्क के अंधेरों से इला नूर,
یہ ہے قرآن کے اترنے کا مقصد. یہ سورت ابراہیم کی پہلی آیتیں ہیں. جاؤ گھروں میں جا کے سورت ابراہیم کی ابتدائی آیتیں پڑھو کہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا تھا کہ میرا نبی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال